मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. मैं मानस रंजन पटेल, लेक्चरर इन केमिस्ट्री. मैं आज बीएड रो बीडी एंट्रेंस रो फिजिकल साइंस और केमिस्ट्री क्लास कवर कर रहा हूं. तो आप हमारे जाने के लिए कोरोना वायरस और वायरस जो आज के लिए हम पक्के ऑफलाइन क्लास कवर को सुविधा से हो जाए जहां पर हमें सही ऑर्गेनाइजेशन कमेंट बॉक्स निश्चित जन आशा करें आपण मान सब प्रकार असुविधा को दूर करने को चेस्ट कर. धन्यवाद. फिजिकल साइंस और केमिस्ट्री आम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स केमिकल इक्वेशन और किसी पार्ट केमिकल बॉन्डिंग भी आसुची केमिकल बॉन्डिंग Chemistry is the branch of science which deals with study of matter. In the branch of science which deals with study of matter. So first of all we will discuss what is matter. मैटर काम करिवा तो आमे सब स्कूल लेवल पढ़ते आसे मैटर बारे ओडिया का कुछ पदार्थ तो मैटर आमे काम करिवा तो मैटर कहला माने एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज सम मास इज नोन एज मैटर. जे कोनोसी एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस anything which occupies space and has some mass is known as matter. ये वो जितनों से जहाँ तुम्हें देखो जो हम जारी कर सो जो तुम कर सो तुम्हें जहाँ को देखो जो जिस चीज स्थानांतरण करी এবং যাহা কিছু বস্তু থাকে আমি তাকে কোন কোন করে না ম্যাটার করি এটা আমি স্কুল লেভেলে পড়ি আছে. তো ম্যাটার বাই মিডিয়াম কই দিবা এনিথিং হুইচ ক্যান বি পারসিভ টু আওয়ার সেন্সেশন যাহা আমি দেখি করিবা শুনি করিবা অনুভব করিবা আমরা ম্যাটার করিবা. তো ম্যাটার ক্লাসিফিকেশন কো আমি জিবা ক্লাসিফিকেশন অফ ম্যাটার ক্লাসিফিকেশন অফ ম্যাটার matter can be classified into two ways. What are those? Physical classification
डिजिटल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल मैटर्स आर मेनली क्लासिफाइड इन थ्री टाइप्स, व्हाट आर दोस? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिजिकली मैटर्स आर मेनली क्लासिफाइड इन थ्री टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मेनली क्लासिफाइड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकली मैटर्स आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, प्योर सब्सटेंस impure substance is also known as mixture, pure substance, impure substance or mixture. So physically matters are mainly classified into three types, solid, liquid, gas. आपको छड़ी आवाज़ में जब मैटर को क्लासिफिकेशन हो चाहिए, पोर्स, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, प्लाज्मा स्टेट, थोड़ा सुबह चाहिए, तो सुबह सब डिटेल्स हायर क्लासेस से कोई प्रॉपर्टीज, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर मोर क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड। कंपाउंड्स आर टू टाइप्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो दीज आर द सम बेसिक्स अबाउट द मैटर। मैटर्स आर क्लासिफाइड इन टू वेज, फिजिकली, केमिकली। फिजिकली आर मैटर्स आर मेनली क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकली मैटर्स आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस आर अगेन क्लासिफाइड इन टू एलिमेंट कंपाउंड। इम्प्योर सब्सटेंस आर टू टाइप्स, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, थोड़ा हम इसे डिस्कशन कर पाए। तो एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। कंपाउंड्स आर अगेन क्लासिफाइड इन टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो सो टुडे एलिमेंट, व्हाट इज एन एलिमेंट? सो व्हाट इज एन एलिमेंट? एलिमेंट इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच इज made up of, which is made up of same kind of atoms in each, which is made up of same kind of atoms in each. Element is the pure form of matter which is made up of same kind of atoms in each. Element ro odia hocchi moliko padarth, to moliko padarth ro definition ame kon koribu? It is the pure form of matter. पदार्थ विशुद्ध अवस्था ही होते हैं, जिए कि काम में बढ़ी तो ना घुड़ा है कि काम का परमाणु में बढ़ी तो तुम्हें स्कूल लेवल में पढ़ चुके हो समझाती है परमाणु में बढ़ी तो इतना विशुद्ध और मॉडल को पदार्थ को बोलो समझाती है परमाणु में बढ़ी तो इतना विशुद्ध और पदार्थ को मॉडल को पदार्थ को बोलो तो सही जिन सामे इंग्लिश में रहते हैं सुंदर एलिमेंट इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स
atoms in each. Example, hydrogen. We know hydrogen is the first element in the periodic table. Oxygen, hydrogen, iron, calcium, magnesium, etc. So these are some examples of elements. Hydrogen, oxygen, nitrogen, iron, calcium, magnesium, etc. Then we discuss symbol. What is symbol? Symbol is the shorthand sign. Symbol is the shorthand sign for the full name of an element. Shorthand sign for the full name of an element. Molikar pugna nama parivarte jin sankhipta nama byabohat hue taku pratiyo kua jae taku school level re padhche sankhipta sankhipta na hochi molikar pugna nama parivarte jin sankhipta nama byabohat hue shorthand sign taku jae symbol. For example, H is the symbol of hydrogen. Hydrogen is symbol of H. H is the symbol of hydrogen. O is the symbol of oxygen. Okay. So there are some elements where two letters are used as symbols. For example, He is the symbol of helium. Helium is symbol of He. Ne is the symbol of neon. किसी एलिमेंट ऑफ स्पीच जो माना को नेम लैटिन नेम को डिराइव है जी. फॉर एग्जांपल आयरन, इट इज द सिंबल ऑफ आयरन. Ag इज द सिंबल ऑफ सिल्वर. Au is the symbol of gold. तो अगर तुमको कौन करिए आप कोई वो सब वो एलिमेंट का सिंबल उन्हें कॉमर किया हुए ताकि तुम वो दे बुक नहीं आप कोई वो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री. Negative charge.
which behaves as single unit in a chemical change, which behaves as a single unit in a chemical change. Atom or group of atoms having positive or negative charge, which behaves as single unit in a chemical change, is known as radicals. For example, हाइड्रोजन आटम को हमें लिखते हैं H, हाइड्रोजन रेडिकल को हमें लिखेगा हम H plus, सोडियम रेडिकल को हमें लिखेगा हम बस सोडियम आयन को हमें लिखेगा हम H plus, पोटासियम रेडिकल को पोटासियम आयन को हमें लिखेगा K plus, मैग्नीशियम आयन को मैग्नीशियम रेडिकल को हमें लिखेगा Mg 2 plus, एल्यूमिनियम आयन को एल्यूमिनियम रेडिकल को हमें लिखेगा Al 3 plus, हाइड्राइड आयन को हमें लिखेगा H माइनस, कार्बोनेट को हमें लिखेगा CO3 2 माइनस, सल्फेट को हमें लिखेगा SO4 2 माइनस, नाइट्रेट को हमें लिखेगा NO3 माइनस एक्सेट्रा. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ रेडिकल्स. डिटेल से वाई एक्स सब का बोल रहे जति को सब रेडिकल अछि मन को मन किया बोलबो से पूरा मन रखिए हमें कोन करियो हमें कंपाउंड रो फार्मूला लिख दिया रेडिकल का कोण रखे थे हमें कंपाउंड रो फार्मूला लिख दो समर्थ हो रेडिकल का कोण रखे हमें कंपाउंड रो फार्मूला लिख दिया ना तो हमें एलिमेंट विषय डिस्कशन करते ले कंपाउंड विषय डिस्कशन करने के लिए कंपाउंड कौन होएगा कंपाउंड हो जाएगा एलिमेंट इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कंपाउंड इज आल्सो pure form of matter which is made up of two or more elements in a definite simple ratio. तो एलिमेंट का डेफिनेशन देते हैं ना एलिमेंट इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ कंस्टिट्यूएंट से वही कंपाउंड का डेफिनेशन कोई बात प्योर फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स बट टू और मोर एटम्स भी हो जाएगा इन अ डेफिनेट सिंपल रेशियो तो हमें स्कूल लेवल पे इसको बड़ा डेफिनेशन तो पढ़ी चोर हुई थी मात्र तो देखो बड़ी को प्रोग्राम तो निर्दिष्ट का होगा तो सोचो तो ही जो विद्युत विशुद्ध पदार्थ सृष्टि करते हैं वो कंपाउंड हुआ जाए तो एक कंपाउंड को लिखेगा पानी फॉर्मूला हो चुका है कंपाउंड को भी केमिकल लिखेगा कंपाउंड का फॉर्मूला कौन हो तो इसे को हमने भी बोल दिया है जो रेडिकल का बोल दिया हम नंबर लिखेगा कंपाउंड का फॉर्मूला में लिखेगा जे कोनो से कंपाउंड रो फार्मूला कहले हमें लिख दे परिमाण यदि हमको रेडिकल का जान लियो तो फार्मूला तो फार्मूला में केमिकल लिखवा रूल्स फॉर राइटिंग फार्मूला फार्मूला लिखे हमें रूल्स का कौन हम देख लो कौन सा रूल रूल होची राइट बेसिक रेडिकल्स राइट बेसिक रेडिकल और काटाइन ऑन द एनएचएस एंड एसिड रेडिकल ऑन द आरएचएस बेसिक रेडिकल और एसिड रेडिकल चूज करिया बेसिक रेडिकल को हमने काटा है
माने जारा पॉजिटिव चार्ज थाय एसिड रेडिकल बा आयन जारा नेगेटिव चार्ज थाय रूल को जी बेसिक रेडिकल को लेफ्ट साइड लिखिबा एसिड रेडिकल को राइट साइड लिखिबा आ कोन रूल अछि इफ कॉम्प्लेक्स आयन इज प्रेजेंट सॉरी इफ कंपाउंड रेडिकल इज प्रेजेंट compound radical is present put it on the RHS sorry put it on the parenthesis sorry put it on the parenthesis to the compound radical thai tada parenthesis kita rakhiba number 3 write the valency of each radical write the valency of each radical write the valency of each radical on its right hand top radical of right hand top re the valency le diya next rule रिड्यूस द वैलेंस न्यूमेरल वैलेंस न्यूमेरल को मैं रिड्यूस करिया नंबर 5 को फाइनली क्रिस्क्रॉस द वैलेंसेस वैलेंस को क्रिस्क्रॉस कर दो सो दीज आर द रूल्स वी हैव टू फॉलो व्हाइल राइटिंग द फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड कंपाउंड फार्मूला लिखते हैं इस रूल को हम फॉलो करेंगे प्रथम एक बात करिएगा जब कोई सी कंपाउंड को दिया है तो तार फार्मूला लिखे पहले से कंपाउंड में हम बेसिक रेडिकल और एसिड रेडिकल चूज करेंगे बेसिक रेडिकल कौन बेसिक रेडिकल जा कैटायन से या एसिड रेडिकल जा एनायन से कैटायन कौन जा पॉजिटिव चार्ज थे एनायन कौन जा नेगेटिव चार्ज थे कैटायन को लेफ्ट साइड लिखियो एनायन को राइट साइड लिखियो जदि कंपाउंड रेडिकल था तो पैरेंथेसिस भीतर रखिएगा कंपाउंड रेडिकल कौन ना जो रेडिकल है मोर देन वन डिफरेंट एटम था कंपाउंड रेडिकल कौन मोर देन वन डिफरेंट रेडिकल फॉर एग्जांपल मोर देन वन डिफरेंट एटम था यू द रेडिकल देखो कार्बन रेडिकल ये दीटा डिफरेंट एटम छ कार्बन और ऑक्सीजन ये उठे कंपाउंड रेडिकल सल्फेट आयन ये उठे कंपाउंड रेडिकल थ्री टाइप का कंपाउंड जो जल्दी कंपाउंड मेडिकल फाइल को पैरेंथेसिस में रख दिया तब अपन रूल 3 रेडिकल और वैलेंसी का राइट हैंड टॉप पर लिख दिया वैलेंसी अपन कैसे जाने ना तो रेडिकल मन रख दिया है वैलेंसी मन रही जो ऑटोमेटिकली वो कोई भी कार्बोनेट और वैलेंसी के थे ना जल्दी की तरह मैग्नीट्यूड थी वो सही आता था वैलेंसी कार्बोनेट और वैलेंसी जो दूर सल्फेट और वैलेंसी के थे टू वो कोई भी एसीटेट का वैलेंस कितने 1 कोई भी Na+ का वैलेंस कितने 1 कोई भी A+ का वैलेंस कितने 1 कोई भी Mg और Mg2+ का वैलेंस कितने 2 कोई भी Al3+ का वैलेंस कितने ना 3 आर वैलेंस हो चुकी 3 आर वैलेंस हो चुकी 2 आर वैलेंस हो चुकी 1 आर वैलेंस हो चुकी 1 तो ये वाला रेडिकल ये वाला रेडिकल ये हो जाएगा वैलेंसी जितनी की मैग्नीट्यूड जितनी की चार्ज की हो जितनी की परिमाण का चार्ज हो जाएगा जो वैलेंसी तो रेडिकल और राइट हैंड रे आपको मोल के हमने अपना वैलेंस लिख दिया कोई नंबर 4 वैलेंस को काट दिया था यदि कॉमन फैक्टर का कॉपर को तो काट दिया फाइनली क्रिस क्रॉस द वैलेंसीज फाइनली अपन वैलेंस को क्रिस क्रॉस होएगा तो ये रूल का प्रॉब्लम है तो गोटे दुटा एग्जाम्पल लिखे तुम बेटर बुझे स्कूल लेवल पढ़ी आस सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला कौन हम तुम कि कह सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला लिख देखो मार्ग प्रथम रूल फॉलो करवा रूल कौन बेसिक रेडिकल लेफ्ट साइड लिखा एसिड रेडिकल राइट साइड लिखा तो बेसिक किए एसिड किए
ମନେରଖିବ ବେସିକ ରେଡିକାଲ ପାଖ ଇ ଅମରେ ଏଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ବେସିକ ରେଡିକାଲ ପାଖ ଆଇଡିଇ ଆଇଟିଇ ଏଟିଇ ଏଥିରେ ଏଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ବେସିକ ରେଡିକାଲ ପାଖ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆଇ ୟୁ ଏମ୍ ରେ ଏଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ଏସି ରେଡିକାଲ ପାଖ ଆଇଡିଇ ଆଇଟିଇ ଏଟିଇ ଏଥିରେ ଏଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏହାର ବେସିକ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ସୋଡିୟମ ଏସି ପାର୍ଟ ହେଉଛି କିଏ ଫ୍ଲୋରାଇଡ ତ କ'ଣ କହୁଛି ଗୁରୁ କହୁଛି ରାଇଟ ବେସିକ ରେଡିକାଲ ଅନ୍ ଦ LHS symbol it write the symbol of basic radical write the symbol of basic radical on the LHS the sodium or symbol of kon nahi ne chloride or symbol of kon Cl the sodium ka left side likhi chloride ka right side likhi rule 2 ka asiba compound radical thila matlab parenthesis re uthiba to eti hamo compound radical nahi right compound radical nahi वो तो मेरे को आईडिया से दे दी टू और मोर डिफरेंट एटम थी वो टू और मोर डिफरेंट एटम थी वो तब कंपाउंड रेडिकल हो गया तो ये हुक्के लिखा है कौन सी तो ये कंपाउंड रेडिकल नो ये सिंपल रेडिकल तो ये रूट टू एटी ए के से एप्लीकेबल हो रूल थ्री को ऐसा सोडियम का वैलेंस यूज किए थे नाइन अप कोई तो सोडियम का वैलेंस यूज हुआ क्लोराइड का वैलेंस कितने क्लोराइड हो जी सी एल माइनस का वैलेंस कितने ना माइनस वन सॉरी वन खाली मैग्नीट्यूड का लिखला तो आर वैलेंस वन आर भी वैलेंस हो कौन वन लिख दे रूल 3 वाला रूल 4 का सी रिड्यूस द वैलेंस नंबर वन वन और व्हाट इवर चांसेस में नंबर 5 का सी वाला फाइनली डिस्क्रॉस द वैलेंस वैलेंस डिस्क्रॉस करेगा डिस्क्रॉस माने को सोडियम का वैलेंस को क्लोरीन तक नहीं है सी क्लोरीन का वैलेंस को सोडियम तक नहीं है सी खाली कौन कैल्शियम कार्बोनेट देखियो कैल्शियम होची बेसिक पार्ट कार्बोनेट होची एसिड पार्ट
तो बेसिक पार्ट को लेफ्ट साइड लिखिबा, एसिड पार्ट को राइट साइड लिखिबा। तो बेसिक पार्ट कैल्शियम, एसिड पार्ट कार्बोनेट। बेसिक पार्ट को लेफ्ट साइड लिखिले, एसिड पार्ट को राइट साइड लिखिले। रूल टू बुझिबा, कंपाउंड मेडिकल तो प्रेजेंट है तो पैरेंथेसिस रे ओके। तो ये कंपाउंड मेडिकल नो ये कैल्शियम रो होते आ, तो ये होते कंपाउंड मेडिकल दीटा डिफरेंट आइटम होची, कार्बन होते ऑक्सीजन होते दीटा डिफरेंट आइटम। तो ये कंपाउंड मेडिकल पैरेंथेसिस रे ओके, पैरेंथेसिस रे ओके। एबे को करियो वैलेंस लिखियो, कैल्शियम और वैलेंस होची 2, कार्बोनेट और वैलेंस होची 2। तो मैं रेडिकल और रखले वैलेंस और रही और कैल्शियम रेडिकल वाला माने कैल्शियम रेडिकल वाला माने Ca2+। तो जति भी चार्ज को से अनुसार वैलेंसी वैलेंसी वाला कार्बोनेट रेडिकल की मोनो को तो मैं कार्बोनेट रेडिकल का फार्मूला हो छी सॉरी सिंपल हो छी Co3-। तो वैलेंसी के तो आप टू, तो आर वैलेंसी टू, आर वैलेंसी हो छी टू। तो कौन करीबा नेक्स्ट नेक्स्ट ग्रुप को जो वैलेंस कॉमन फैक्टर वाला कटी को काट दो। तो 2 2 हो छी, तो हमें का द्वारा कटवा 2 द्वारा कटवा काट दो 1 1। एबे कौन करीबा क्रिस क्रॉस करतवा, वैलेंस क्रिस क्रॉस करतवा, एटा कैल्शियम वैलेंस कार्बोनेट तो पड़ी, कार्बोनेट वैलेंस कैल्शियम तो पड़ी। तले यहां आ जाओ Ca1 CO3 1। तो 1 का जनरल लिखा हुआ है CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला वाला CaCO3। इने तो मैं पैरेंथेसिस रख के चले और मैं कटिंग के चले। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला हो CaCO3। अब उसे कंपाउंड कोई भी
पोटासियम सायनाइड सिल्वर क्लोराइड मैग्नीशियम तो प्रैक्टिस फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास डिस्कशन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स लॉ मोल कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपीरियल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपीरियल फॉर्मूला सब बढ़िया को 100% सब्सक्राइब करें धन्यवाद।